नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आप भी अपने फ़ोन के स्टोरेज से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं? क्या आपका भी यहाँ पे स्टोरेज फुल हो जाता है? क्या आपका भी यहाँ पे फ़ोन खाली नहीं है? यहाँ पे आप फोटो नहीं खींच पा रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, किसी ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? तो अगर दोस्तों आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं बिना किसी फोटो वीडियो या फिर ऐप को डिलीट किए हुए। तो आइए दोस्तों बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों दिखा दूँ कि जो मेरा फोन है ना, यहाँ पे इसमें स्टोरेज नहीं है और मैं यहाँ पे स्टोरेज आपको बना कर दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों 9.6 GB हमारे फोन का स्टोरेज है, जिसमें से 8.55 GB फिल हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 89% फिल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको स्टोरेज बढ़ाना है, तो कैसे स्टोरेज बढ़ाएंगे आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपका किसी भी कंपनी का फ़ोन है ना, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसको यूज कीजिए, 100% आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कई तरीका बताऊंगा, चलिए सबसे पहला तरीका जो है उसे जानते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग में चलना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है स्टोरेज, यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है स्टोरेज। जैसे आप यहाँ पे स्टोरेज लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे जो आपका डेटा है पूरा कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा कैच डेटा का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है दिस विल क्लियर कैच डेटा फॉर ऑल ऐप, मतलब जो भी यहाँ पे अनयूज या फिर आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से वायरस आपके फ़ोन में, और यहाँ से ओके करने पर डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2-3 बार क्लिक करके इसे कर देना है, तो जो यहाँ पे 0.92 GB है ना, मतलब ये 0 लगभग हो जाएगा या फिर MB में आ जाएगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि बहुत सारा जगह आपके फ़ोन में खाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2-3 बार कर देना है और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपके फ़ोन में एक ऐप होगी, अगर आपका रेडमी का फ़ोन है तो सिक्योरिटी, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लीनर का, अगर ऊपर नहीं मिलता तो थोड़ा सा नीचे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लीनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लीनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे वेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लीनअप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्लीनअप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक क्लीनअप हो जाएगा। दोस्तों ऐसा करने से आपका कोई भी ना डेटा डिलीट होगा, ना वीडियो डिलीट होगा, ना फोटो डिलीट होगा, कुछ भी आपका डिलीट नहीं होने वाला है। तो आपको दूसरा तरीका इस प्रकार से यूज करना है। चलिए अब दोस्तों तीसरा और आखिरी तरीका बताता हूँ, इस तरीका को यूज करके और भी आप यहाँ पे अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी ऐप होती हैं हमारे फ़ोन में जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे EMI पे हुआ, म्यूजिक हुआ, ब्राउजर हुआ, सेटिंग हुआ, क्लीनर हुआ, कैलेंडर हुआ, इन सब का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जो भी आप यूज नहीं करते हैं ना उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। नीचे क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। फिर आपको बैक आना है और फिर से आप जो ऐप यूज नहीं करते हैं, जैसे मैं MI पे को यूज नहीं करता हूँ, तो फिर से हमको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, फिर ऐप इन्फो पे क्लिक करना है, फिर स्टोरेज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा करके ओके कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जितनी भी ऐप हैं जिसे आप यूज नहीं करते हैं उस पर आपको जा करके क्लियर ऑल डाटा कर देना है, या फिर स्टोरेज में जा करके आपको क्लियर ऑल डाटा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से मैं यहाँ पे वेदर वाले ऐप का कर देता हूँ। दोस्तों कुछ ऐसे ऐप है ना जो हमारे फ़ोन से डिलीट नहीं किए जा सकते, तो आपको करना क्या है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको यूज करना है, ठीक है। आइए यहाँ पे फाइल मैनेजर का मैं क्लियर डाटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा कर देता हूँ, आप स्टोरेज पे भी क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब पूरा को क्लियर कट कर देना है। चलिए हम लोग अपना फाइल मैनेजर ओपन करते हैं और देखते हैं कुछ स्टोरेज बढ़ा या फिर नहीं। यहाँ पे हमको एग्री ऑन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अलाउ कर देना है।
अब यहाँ पे हम चलते हैं इस पे, डार्क थीम इज अवेलेबल, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल मैनेजर पे, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए जो मेरा स्टोरेज था आप लोगों के सामने मैंने आपको दिखाया है कि 8.55 GB था, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अब 7.74 GB हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं 1 GB पूरा हमारा यहाँ पे घट गया है। और यहाँ पे दोस्तों जो 89% स्टोरेज दिखा रहा था वो अब 81% हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको लाइव बिल्कुल यहाँ पे दिखाया कि आप अपने स्टोरेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका किसी अदर कंपनी का फ़ोन है और उसमें अगर ये ऑप्शन नहीं शो हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपने फ़ोन का कंपनी का नेम आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि उस फोन का आप कैसे स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।